है? कौन माते किशोरी? तुम्हारी माँ। और तुम यहाँ पे मूछों पे ताव दे रहे हो, ये पगड़ी बांध रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आज तुम इस मौके पे जो तुमने मेरी इस पगड़ी को हाथ लगाया है, तुम जानती हो इस पगड़ी की क्या कीमत है? मैं जानती हूँ। क्या है? और मैं जानती हूँ इस पगड़ी की क्या कीमत है, तभी मैंने इस पगड़ी को तुम्हारे सर से उतारा है। पगड़ी वो बांधते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। तो क्या मैं क्षत्रिय नहीं? जो योद्धा होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, ना तो तुम योद्धा और ना ही तुम क्षत्रिय। हे मेरी माँ, यही एक परीक्षण करके देख लेती, तुम्हारी जगह कोई और मेरी इस पगड़ी को हाथ लगा देता, उस भवानी की सुगंध उसका सर धड़ से अलग कर गया होता। इसी क्षण अगर सर धड़ से अलग ही करना है, हाँ, तो मेरा नहीं, हाँ, उन मुगलों का जाके करो। पगड़ी बांधने का इतना शौक ही है, मूछों पे ताप देने का इतना शौक है, तो इस शौक को पूरा कर लेना। लेकिन छत्री मैं तुझे जब मानूंगी, जब अपने पिता सूरजमल की लाश वापस लेके आए, जब अपने पिता सूरजमल की मौत का बदला उन मुगलों से लेके आए, जब मैं तुझे एक छत्री मानूंगी। मैं ये तो जानता हूँ, उस आता ताई अहमद शाह और महाराजा सूरजमल जी के साथ में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि महाराजा सूरजमल के बारे में आप इस प्रकार से क्या कह रही हो। क्या तुम्हारी जीभ लड़खड़ाती नहीं है ऐसे शब्द बोलते बोलते? जीभ उनकी लड़खड़ाती है जो छत्री नहीं होते। अरे मैं एक छत्रानी हूँ, और अगर तू मेरा बेटा है ना, तो अपने पिता की मौत का बदला लेकर आ। मैं अवश्य लूंगा, लेकिन मुझे सारा वृतांत बताना होगा। पहले मेरी बात सुनिए, तब फिर मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा। हो मेरी यो तार भगा दीपा जाग रहा, हेरी माता जो सिपदान में मेरी दर पानी छाट लेता, अगर मेरी माँ चे अगर मेरी मना होती तो फौरन शीश काट लेता, अगर मेरी मना होती तो फौरन शीश काट। बात नहीं समझी खास, हाँ, तेरे पिता सूरज मल की दिल्ली में पड़ी सैलास, तेरे पिता सूरज मल की दिल्ली में पड़ी सैलास। हो लिया सर मुगलों ने ताव, हो लिया सर मुगलों ने ताव, तारे भगा दीपा हो, हो,
दिया मुझको माता। और मेरी बात सुन ले, अरे लाश पिता की, लाश पिता के नाम में आया तो जीना है बेकार माता, लाश पिता के नाम में आया तो जीना है बेकार। मार दई एक दहाड़, धरती और दिक्के धरती और आसमान हिलेंगे, हिमालय से फट जा पहाड़, धरती और आसमान हिलेंगे, हिमालय से फट जा पहाड़। हो मेरा खास किशोरी ना दिल्ली के दरम्यान माता, जाटों की अरे जाटों की ने देखा वीरता यो सारा हिंदुस्तान माता, जाटों की ने देखा वीरता सारा हिंदुस्तान माता। खूनों के तू मचाना जंग, बनी बावली सी डोलू दिखे, बनी बावली सी डोलू मेरी अकल सी हुई से भंग, रजवाड़ों में चिट्ठी भेजी 36 जात रहेगी संग, रजवाड़ों में चिट्ठी भेजी 36 जात रहेगी संग। हो मत देर करे मेरे लाल, मत देर करे मेरे लाल, ख्याल कुछ मत ना करियो मने, मेरी सहारे भगाती पाक। रागनी की अंतिम कड़ी है और अंतिम कड़ी में कवि ने एक चेतावनी दी है उन फिल्मकारों को, ए फिल्मकारों बॉलीवुड वालों, जब तुम इतिहास के बारे में जानते ही नहीं हो तो इसमें छेड़खानी करने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। आज कवि ने इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे वीर सूरमा महाराज सूरजमल के जो इतिहास में छेड़खानी की और ये बता दिया अंतिम कड़ी में
एक हमारे राजा महाराजा कैसे थे और क्या थे, किसके लिए मर मिटते थे, बाकी हवाला इस रागनी की इस अंतिम लाइन में लिख करके बताया है। अगर लाइन ठीक लगे तो दो हाथों की तालियां हो जाएं उस कवि श्रोमणि के लिए और महाराजा सूरजमल जी के लिए, महाराजा जवाहर सिंह जी के लिए। सुनिए क्या कुदरत भी हो जा भयभीत, लाज बचावे हम लाज बचावे सतियों की ये मारे खानदान की रीत, लाज बचावे सतियों की ये मारे खानदान की रीत। युग युग जियो जब हर सिंह रे हो, अमर होए इतिहास तुम्हारा सुनती हर पंचायत रहे, जिस कुनबे में तोड़ फोड़ वहाँ बिगड़ी हुई बात रहे, जिस कुनबे में तोड़ फोड़ वहाँ बिगड़ी हुई बात रहे। हो जे किरण शेरपुरी तेरा गांव, मेरी नहर भगवान